All right, a very good morning. My name is CA Astha Mongia, and I will be taking up two subjects in Group 2 of CA Intermediate. Pehla hai paper number 4, Cost and Management Accountant, and the second one is going to be paper 6A, Financial Management, जो कि 50 marks का है. तो आज हमारी पहली क्लास FMT ही रहेगी. ठीक है, स्केड्यूल में थोड़ा सा चेंज है, मैंने ही दोनों सब्जेक्ट्स लेने हैं तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता. All right. चाहे मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करूं, चाहे मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करूं, दोनों प्योरली एंड प्योरली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं. नो, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स तो हैं, बट हम अपनी अप्रोच सभी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के लिए एक जैसी रखें ऐसा होता नहीं है. ग्रुप वन में अकाउंट्स में कोई और अप्रोच रहती है, सिमिलरली कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई और अप्रोच रहेगी, एफएम में कोई और अप्रोच रहेगी तैयारी करने की. मैं ये क्यों आपको बोल रही हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो कि लेट अस से एक सब्जेक्ट के साथ एक कंफर्ट लेवल रखता है, कंफर्ट लेवल एज इन कि उनको लगता है अगर एक चैप्टर के हम सिर्फ 10 में से लेट अस से 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ले, बाकी 6-7 ऊपर ऊपर से देख जाए, हमारा काम बन जाएगा, नंबर अच्छे आ जाएंगे. एक सब्जेक्ट के लिए बात ट्रू होल्ड कर सकती है, बट वही दूसरे सब्जेक्ट के लिए बात ट्रू होल्ड नहीं करेगी. मे बी दूसरा सब्जेक्ट प्रॉपर प्रैक्टिस मांगेगा. सो प्लीज मैं इंसिस्ट करूंगी कि ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका आप क्लास में मुझे सॉल्यूशन प्रॉपर करते हुए देखेंगे, तो घर पे आपकी तैयारी भी प्रॉपर प्रैक्टिस वाली होनी चाहिए. ऊपर ऊपर से उड़ाने वाला कुछ भी नहीं होगा. ठीक है जी, पेपर पैटर्न्स भी आपको पता होने चाहिए. ऐसा है, FMSM जो कि पेपर नंबर 6 है, उसका वैसे प्रॉपर एग्जामिनेशन मेयर अटेम्प्ट का तो कल है 17 तारीख, बट बेस्ड ऑन 2 मॉक टेस्ट पेपर्स रिलीज बाय ICAI, मैं आपके साथ एक बारी पेपर पैटर्न जरूर बताना चाहूंगी कि FM जो कि 50 मार्क्स की है वो दिखाई कैसे देती है. जी, आपके आउट ऑफ 50 15 मार्क्स जो है वो MCQ का रहेगा. हम सभी जानते हैं हर पेपर में 30 मार्क्स का MCQ है, तो FM में प्रोपोर्शनेटली 15 मार्क्स का आ गया, और इस 15 मार्क्स में आपके 10 मार्क्स की एक प्रॉपर केस स्टडी बनेगी. उस केस स्टडी में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑफ 2 मार्क्स ईच. ठीक है जी, उसके बाद आपके पास MCQ और बनेंगे, 1, 2 और 3, इसकी वेटेज 2 मार्क्स की, इसकी वेटेज 2 मार्क्स की, और 1 मार्क का. तो हो गया आपका 15 मार्क्स का MCQ. ठीक है जी, रिमेनिंग पोर्शन जिसे हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव पोर्शन, जी डिस्क्रिप्टिव पोर्शन की वेटेज है 35 मार्क्स. उसमें से पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी रहेगा, इसमें आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सॉरी 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑफ 5 मार्क्स ईच. हो गया 15 मार्क्स. कितना बचा अब आपके पास पोर्शन, 20 मार्क्स का. उस 20 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 दिया जाता है, 10 मार्क्स ईच. आपको इन 3 में से कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है जी, अब ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे बनता है, इट कुड बी प्योरली 10 मार्क्स या 5+5 या 6+4, कुछ भी हो सकता है. ये लास्ट क्वेश्चन प्योर थ्योरी क्वेश्चन रहेगा, तो इसको चॉइस में छोड़ने का चांस है. कहने का मतलब हम बोल सकते हैं कि न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने का चांस. ICAI कभी कभार ये हरकत भी कर सकता है, यहाँ पर 8 मार्क्स का न्यूमेरिकल और 2 मार्क्स की थ्योरी भी पूछ लेगा, बट ये कभी कभार की हरकत है, हमेशा हम नहीं देखते हैं. ठीक है जी, बट ऑल इन ऑल अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरे 50 मार्क्स में FM का क्या कंटेंट है, मेनली न्यूमेरिकल है. हाँ, थ्योरी क्वेश्चन भी बनता है, बट उसको चॉइस में छोड़ने के चांसेस रहेंगे. ठीक है जी, ये तो मैंने आपको बता दिया हाउ डज पेपर लुक लाइक. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल वर्ड एक बारी आप साइड में करो, व्हाट इज वर्ड मैनेजमेंट, हाउ डू यू डिफाइन मैनेजमेंट, कोई मुझे बता सकता है यहाँ पर. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर बच्चे, प्लीज गिव अ थम्स अप. परफेक्ट. हाँ जी, मैनेजमेंट वर्ड, कैन एनीवन डिफाइन द वर्ड मैनेजमेंट टू मी. बचपन में क्लास 12th में प्रॉपर सब्जेक्ट ही था बिजनेस स्टडीज में मैनेजमेंट, 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. ठीक है जी, अच्छा अब उन्हीं फंक्शंस के बगल में अगर हम वर्ड डाल दें फाइनेंस, फाइनेंस के लिए प्लान करना, फाइनेंस के लिए प्लान करना मतलब एक तरीके से सोचना पैसा कहाँ से आएगा, फाइनेंस को डायरेक्ट करना मतलब पैसा कहाँ को जाएगा,
फाइनेंस की तरफ एक तरफ से लास्ट जो फंक्शन होता है कंट्रोल फंक्शन, जो हमने पैसा रेज किया, जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया, क्या वो सही से काम कर रहा है, क्या वो ऑप्टिमम रिटर्न लाकर दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो वो सारे फंक्शंस बट रिलेटेड टू फाइनेंस। सिंपल लैंग्वेज में बात करो, हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते आ रहे हैं। हमें बचपन में पॉकेट मनी मिला करती थी जी, पॉकेट मनी को लेकर हम प्लान किया करते थे, अच्छा इस महीने मुझे अपने फैमिली से इतनी पॉकेट मनी मिलेगी, इतना बर्थडे गिफ्ट मिलेगा, दोस्तों को पार्टी भी देनी है, बहन को राखी का गिफ्ट भी देना है, ये पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ को जाएगा, ये वाली प्लानिंग बचपन से चल रही थी। हमारी फैमिलीज में जो ब्रेड विनर्स है जी, ठीक है, अब वो भी तो फाइनेंशियल प्लानिंग ही करते हैं, वो भी तो सारा टाइम सोचते नहीं रहते हैं पैसा कहाँ से आएगा और पैसा कहाँ जाएगा, उस चीज को भी लेकर वो सोचते हैं। अब आप उनसे पैसा मांगने जाते हैं, पेट डायलॉग आता है, पैसा क्या पेड़ पे लग रहा है, पता है कितनी मेहनत से हम कमा के लाते हैं, तो सोच समझ के खर्च किया करो। आप सोचो जो काम हमारी डे टू डे लाइफ में हो रहा है, वही काम अगर आप एक प्रॉपर कॉर्पोरेट लेवल पर ले जाओ, एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर ले जाओ, तो इन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में तो सेपरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट होते हैं जी, जिनका काम ही है ये करना पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ को जाएगा, और जहां जा रहा है वहां अच्छे से प्रॉपर रिटर्न्स लेकर दे रहा है या नहीं दे रहा, ठीक है जी। सो बेस्ड ऑन दिस हम बोलते हैं कि देर आर थ्री डिसीजंस इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहला डिसीजन है फाइनेंसिंग डिसीजन, इसका क्या मतलब होता है, सिंपली पैसा कहाँ से आएगा। दूसरा डिसीजन है इन्वेस्टिंग डिसीजन, हिंदी में बात करें तो पैसा कहाँ जाएगा, पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा। और तीसरा डिसीजन है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन मतलब प्रॉफिट तो कमा लिया, क्या हमने डिविडेंड बांटना है या नहीं बांटना, बांटना है तो कितना बांटना है, जितना अर्निंग कमाई क्या सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दे, जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया उसको हम क्या बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या रिटेन्ड अर्निंग्स कुछ रखनी है कि नहीं रखनी है, क्यों ये फैसला मैटर करता है कि रिटेन्ड अर्निंग्स रखी जाए या ना रखी जाए, क्योंकि कल को कोई एक्सपेंशन प्रोजेक्ट सामने आ गया तो वन ऑफ दी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कुड बी जो हमारे पास ऑलरेडी पैसा पड़ा है बाय द वे ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस या रिटेन अर्निंग जिसे हम बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये डिसीजन आपस में इंटर रिलेटेड भी हो जाते हैं, आज का डिविडेंड डिसीजन कल के फाइनेंसिंग डिसीजन पर इंपैक्ट डाल सकता है, अगर आज हमने कुछ रिटेन अर्निंग्स रख ली तो कल को वो भी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस बन सकती है, ठीक है जी। बच्चे ये सारा कॉन्टेंट जो है ना आपके पास, जो प्रॉपर आपको बुक मिलेगी उसमें प्रिंटेड होगा, आपको सिर्फ अभी बात समझने की जरूरत है, ठीक है जी। एक थ्योरी क्लास हम बाद में भी लगा सकते हैं, बट फिलहाल आपको इतना पता करना जरूरी है दैट देर आर थ्री डिसीजंस इन्वॉल्व्ड इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तीन डिसीजन कौन से हो गए, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग और डिविडेंड। इन तीनों डिसीजंस के आपको मीनिंग समझ में आ गए हैं जी, परफेक्ट। अब पहले लेक्चर में हम स्टार्ट ही फाइनेंसिंग डिसीजन से करेंगे, और फाइनेंसिंग डिसीजन में हमारे पास वैसे तो दो तीन चैप्टर्स हैं, बट अभी आज हम शुरुआत करेंगे कंपनी चैप्टर लीवरेजेस, जिसके आपको नोट्स हार्ड कॉपी में दिए जा चुके हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मैं अभी ग्रुप में पीडीएफ डाल रही हूँ बेटा, आपको बुक्स बाद में इशू हो जाएगी, बुक्स आर इन प्रिंटिंग करेंटली, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं आपको एक बार भेज देती हूँ। हाँ जी, नाउ लीवरेजेस वर्ड क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, अभी हम एक समझ लेते हैं। पहले ना आप जरा अपने सामने एक एग्जांपल देखिएगा, सभी के पास पहले पेज पर कुछ केसेस बनाए हुए। अच्छा ये केस क्या कहता है कि लेट अस से ये है हमारे पास 2019 की एक्चुअल फिगर, ठीक है, ईयर 2019 की एक्चुअल फिगर, जिसमें हमने सेल किए 10,000 यूनिट्स की, सेलिंग प्राइस है 10 पर यूनिट, टोटल सेल वैल्यू 1 लाख, फिर इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया हमने 5 पर यूनिट का, तो 10,000 यूनिट्स के हिसाब से 50,000, और इस 5 पर यूनिट में 2 पर यूनिट की एक तरीके से एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है बाय द वे ऑफ फ्री सैम्पल्स। अच्छा जिन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग पहले कभी पढ़ा है बीकॉम वगैरह में वो ये बात शायद जानते होंगे दैट सेल्स में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं वर्ड निकल कर आता है कॉन्ट्रीब्यूशन। जिन्होंने नहीं भी पढ़ा कॉस्ट अकाउंटिंग में आप पढ़ ही लेंगे दैट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है कॉन्ट्रीब्यूशन। इनफैक्ट फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग पर्पसेस हम कभी भी डायरेक्टली ये बात तो करते ही नहीं है सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं नहीं, प्रॉफिट तक नहीं पहुंचना, प्रॉपर कहानी को आप इलाबोरेट करो। कॉस्ट वेरिएबल भी होता है और फिक्स्ड भी होता है।
आप पहले सेल्स में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करवाओ, आती है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करवाओ तो आता है प्रॉफिट। ये बीच का कार्यक्रम क्यों करना कंट्रीब्यूशन का, क्योंकि ये बोला जाता है जब आउटपुट इंक्रीज होता है तो सेल वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा, बट पॉइंट इज कंट्रीब्यूशन भी तो बढ़ेगी। फिक्स कॉस्ट इसका मतलब ही यही है कि आउटपुट बढ़ता रहे, इसलिए तो सेम अमाउंट ही रहना है। तो बेसिकली एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइजेशन, बिकॉज कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइजेशन वुड ऑटोमेटिकली लीड टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है जी, तो फिक्स कॉस्ट का इतना हमको हेडिक लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ये बात कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जरूर ये चीज मैटर कर रही है कि कंट्रीब्यूशन आ गई, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट करके आपके पास आ गया प्रॉफिट। अब आप कॉस्ट अकाउंटिंग में इसे प्रॉफिट बोलते हैं, बट एफएम की टर्म्स में इसका नाम पड़ेगा ईबीआईटी। ईबीआईटी की फुल फॉर्म अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग की कहानी आकर यहाँ पर खत्म हो जाती है। कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरेस्ट कॉस्ट को रिकॉग्नाइज ही नहीं करती, वो टैक्सेस को रिकॉग्नाइज नहीं करती, वो हम कॉस्टिंग सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, उसकी कहानी यहाँ पर आकर खत्म होती है, बट एफएम में इसके बाद भी कहानी चलती है। बट फिलहाल चलो ईबीआईटी तक ही पहुंच। अब आप सभी ने मेरे साथ साथ नेक्स्ट कॉलम प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट कॉलम हम बात कर रहे हैं 2020 की, और ये बन रहा है 2020 का बजट जी, 2020 का बजट। एज ऑफ ईयर एंड 2019 हमने क्या सोचा, हमारा आउटपुट बढ़ जाएगा फ्रॉम 10,000 यूनिट्स टू 12,000 यूनिट्स। कैन आई आस्क कितना परसेंट इंक्रीज पूछा जा रहा है यहाँ पर, कितना परसेंट इंक्रीज है? 20%। तो 20% अगर आउटपुट इंक्रीज है तो हमारे पास आगे देखते हैं प्रॉफिट कितना इंक्रीज हो रहा है। एक बार चलो मेरे साथ कंप्लीट करो, सेल्स कितनी हो जाएगी 1,20,000 यूनिट्स। वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा 60,000 यूनिट्स। ठीक है जी, फिर कंट्रीब्यूशन कितनी आ गई 60,000 यूनिट्स। फिक्स कॉस्ट बीइंग फिक्स्ड वो 10,000 ही रहेगा, तो हमारे पास ईबीआईटी कितना आ गया 50,000 रुपीस। 50,000 रुपीस राइट। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ बेटा, परसेंटेज इंक्रीज प्रॉफिट 40,000 से 50,000 हो गया, कितने से बढ़ा 10,000 से। कहाँ से बढ़ा 40,000 से, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना आ गया 25%। तो बेसिकली जब हमने 2020 का बजट बनाया हमने बोला अगर आउटपुट बढ़ेगा 20% से तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा 25% से। बात समझ में आ रही है जी? बट हम सभी को पता है 2020 की सच्चाई है। 2020 में क्या हुआ था, कोविड, ये लॉकडाउन हो गया था जी, फैक्ट्रियां बंद पड़ गई थी, आउटपुट बढ़ने क्या वो तो गिरना था। तो अब हम प्लॉट करने हैं 2020 का एक्चुअल। असली में 3,000 यूनिट ही दिख पाया। तो अगर मैं आपसे बात करूं 2019 एक्चुअल से, 2019 एक्चुअल से 2020 एक्चुअल कंपेयर करो, आउटपुट डिक्लाइन है जी, कितना डिक्लाइन है 70% 2019 के कंपेरिजन। अब बताओ प्रॉफिट कितना डिक्लाइन, सेल्स हमारे पास कितनी रुपीस आ गई 30,000, वेरिएबल कॉस्ट 15,000, हमारे पास कंट्रीब्यूशन 15,000 रुपीस, फिक्स्ड कॉस्ट बीइंग फिक्स्ड 10,000, हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया 5,000, ईबीआईटी 5,000 आ गया जी। अब मैं अगर आपसे पूछूं 2019 में प्रॉफिट कमाया था 40,000, 2020 में असली प्रॉफिट कमाया है 5,000, गिरा है प्रॉफिट कितने परसेंट से? हाँ जी, 35,000 रुपीज से गिरा है राइट। कहाँ से गिरा है 40,000 से, कैलकुलेटर में देखो कितना परसेंट डिक्लाइन है, कितना 87.5%। आप एक चीज देखो, दोनों सिनारियोज में चाहे हम अपवर्ड्स की बात कर रहे हैं चाहे हम डाउनवर्ड्स की बात कर रहे हैं, अगर मैं बजट को देखूं 20% आउटपुट बढ़ रहा है, क्या प्रॉफिट भी प्रोपोर्शनेटली 20% से बढ़ रहा है? नहीं जी, मैग्निफाइड चेंज है। मैग्निफाइड चेंज का मतलब प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 20% से ज्यादा चेंज हो रही है 25% से। ऐसे जब डिक्लाइन की बात कर रहे हैं
आउटपुट अगर गिर रहा है 70% से, क्या प्रॉफिट भी गिरा 70% से? नहीं, प्रॉफिट में डिक्लाइन भी मैग्निफाइड है, 70% से ज्यादा है, 87.5% है। और ये मैग्निफिकेशन का एक ही कारण है, वो कारण है सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इन दी कॉस्ट स्ट्रक्चर। अगर फिक्स्ड कॉस्ट नाम की चीज ना हो तो जितना आपका आउटपुट चेंज है परसेंटेज, उतना ही आपका प्रॉफिट परसेंटेज चेंज भी होगा। बेशक घर जाके कोई भी एग्जांपल ट्राई करके देख लेना, हम क्लास में भी इस चीज को ऑब्जर्व करें। सो ये मैग्निफिकेशन होती है। इनफैक्ट आप सोचो, एक एंटिटी एक्सपेक्ट कर रही है हमारा आउटपुट बढ़ना ही बढ़ना है जी, तो कहीं ना कहीं उसको फिक्स्ड कॉस्ट रखने का फायदा भी हो गया, क्योंकि तो अगर आउटपुट बढ़ रहा है 20% से, प्रॉफिट तो और बढ़ चढ़ के इंक्रीज हो रहा है, तो फायदा ही हो गया। बट यही जहां पर आउटपुट डिक्लाइन की बात आती है, अगर ये रिस्क है कि कल को आउटपुट गिर भी सकता है, तो उसी एंटिटी को फिक्स कॉस्ट रखने का नुकसान भी हो जाएगा। कि जहां आउटपुट गिर रहा है मान लो 70% से, प्रॉफिट 70 नहीं उससे भी ज्यादा गिर रहा है, 87.5% से। इसको हम बोलते हैं जी लीवरेज। आफ्टर ऑल लीवरेज इज अ मेजर ऑफ रिस्क। लेमेन टर्म्स में हम रिस्क लेने को क्या बोलते हैं, कि फायदा, ये चीज फायदा करवाने को अच्छा फायदा भी करवा सकती है और नुकसान कराने को करवा भी सकती है, इसी चीज को तो रिस्क लेना कहते हैं जी, है ना, कि फायदा भी हो सकता है नुकसान भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट को अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर में रखने का एक रिस्क है। फेवरेबल सिनारियो में, अगर इस तरीके का फेवरेबल सिनारियो है आपके पास, तो यही चीज फायदा भी करवा रही है। बट अगर अनफेवरेबल सिनारियो है, तो यही चीज ज्यादा नुकसान भी करवा रही। बात समझ में आ रही है जी? ठीक है। अब एक बार इसी चीज को और बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए आप मेरे साथ केस 2 भी डिस्कस करेंगे। केस 2 मतलब कोई और एंटिटी है, जिस एंटिटी का 2019 का तो आपको एक्चुअल गिवन ही है प्रिंटेड जी, वो 2020 का बजट बना रही है और 2020 का बाद में एक्चुअल रिजल्ट भी देख रही है, सिमिलर टू केस 1 जी। अब है क्या आपके पास, अगेन 20% आउटपुट इंक्रीज होने की वजह से प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट आ रहा है, जरा देखो मेरे साथ साथ। सेल वैल्यू 1,20,000, इनके पास वेरिएबल कॉस्ट 3 पर यूनिट है, तो कितना आ गया, 36,000 रुपीज। कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी आ गई, 84,000 रुपीज। फिक्स्ड कॉस्ट, अब इनके पास फिक्स्ड कॉस्ट में एडवर्टीजमेंट इंक्लूडेड है 20,000, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है 30,000। अब बताओ प्रॉफिट कितना आ गया, 54,000। तो डेफिनेटली जहां आउटपुट बढ़ रहा है 20% से, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है कितने परसेंट से, अब ये बताओ। प्रॉफिट बढ़ा 14,000 से जी, कहां से बढ़ा, 40,000 से, इनटू 100 करके बताओ, 35,000। ठीक है। अच्छा अब एक बारी जरा एक्चुअल कॉलम भी देख लो, आउटपुट गिर रहा है 70% से, 3,000 यूनिट्स के लिए सेल वैल्यू 30,000, वेरिएबल कॉस्ट 9,000, कंट्रीब्यूशन विल बी 21,000, फिक्स कॉस्ट कितना है 30,000, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया, लॉस है, नेगेटिव में है 9,000। सभी ने कंप्लीट कर लिया है। मुझे बताओ 2019 एक्चुअल के कंपैरिजन में 2020 एक्चुअल का रिजल्ट के प्रॉफिट का परसेंटेज डिक्लाइन, प्रॉफिट गिर रहा है कितने से गिर रहा है, 9,000 नहीं, पॉजिटिव 40,000 से नेगेटिव 9,000, 49,000 से गिर रहा है। कहां से गिर रहा है, 40,000 से, तो ये परसेंटेज डिक्लाइन इज मोर देन 100%, 122.5%, 122.5। ठीक है जी। अब आप देखो हम ये क्या डिस्कस कर रहे हैं, आप यहाँ पे भी क्या आपको मैग्निफिकेशन दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें 20% से आउटपुट इंक्रीज है, तो प्रॉफिट इंक्रीज 20% से ज्यादा है कितना, 35% से। अगर आउटपुट डिक्लाइन 70% है, तो ईबीआईटी डिक्लाइन मोर देन 70% है, 122.5, यहाँ पे मैग्निफिकेशन है। पर कैन वी से दैट मैग्निफिकेशन इन केस 2 इज मोर देन मैग्निफिकेशन इन केस 1? केस 1 में भी आउटपुट चेंजेस तो वही था, बट वहां पर परसेंटेज चेंजेस थोड़े कम थे, केस 2 में थोड़े ज्यादा हैं। व्हाई इज दैट, फिक्स्ड कॉस्ट इन केस 2 इज मोर एज कंपेयर टू केस 1। केस 1 ने भी फिक्स्ड कॉस्ट का रिस्क लिया हुआ था, बट वो रिस्क थोड़ा कम था एज कंपेयर टू केस 2। हायर द रिस्क, हायर द मैग्निफिकेशन।
बात समझ में आ रही है जी? तो इसी चीज को बच्चे हम वर्ड बोलते हैं लीवरेज। लीवरेज अगर हम साइंटिफिक टर्म्स में कभी पढ़ते थे बचपन में को, तो ना हम लीवर वर्ड पढ़ते थे, पुली वर्ड पढ़ते थे। वो क्या होता था कि एक लीवर की सहायता से किसी मशीनरी को चलाया जाता है या किसी चीज को पुल किया जाता है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट की हेल्प से हम अपने प्रॉफिट्स को पुल कर रहे हैं। कि आफ्टर ऑल फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड ही रहता है, तो कल को जब आउटपुट चेंज होना होगा हमारा प्रॉफिट मैग्नीफाइड वे में इंक्रीज होगा। ठीक है जी? इसलिए हेंस द वर्ड अराइजेस लीवरेज। अब लीवरेज तीन तरीके की बोली जाती है, दैट इज कमिंग फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट जो कि आपके पास पेज नंबर 4.3 पर रहेगा। पेज नंबर 4.3 जिस पर आपके पास पूरी इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। स्टार्टिंग से मेरे साथ साथ देखेंगे, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस किया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसे हम ईबीआईटी भी बोलते हैं। अच्छा, ये फिक्स कॉस्ट मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी, ये ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ही होता है जी। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट आपको मालूम है दी वर्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस अकाउंट्स वगैरह में कहीं पर पढ़ा होगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कोई भी कैश फ्लो में पड़ा था, कोई मुझे डिफाइन कर सकता है व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड व्हाट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस? ऑपरेटिंग डायरेक्ट कॉस्ट, आई वुडंट से डायरेक्ट, ऑल डायरेक्ट कॉस्ट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट, यस, बट ऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट इज नॉट डायरेक्ट कॉस्ट। जैसे कि आपका बिजनेस से रिलेटेड जो डे टू डे खर्चा है, आपका सैलरीज हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, टेलीफोन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, बेसिकली वो जो मेन एक्टिविटी से रिलेटेड है। नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट का आपके पास एग्जाम्पल आ गया, लेट अस से इंटरेस्ट। ठीक है जी? ये आपके पास नॉन ऑपरेटिंग आ गया, या कोई आपके पास कुछ लॉसेस ऑन सेल ऑफ एसेट वगैरह, ये सब नॉन ऑपरेटिंग चीज, राइट? तो फिलहाल हम बात कर रहे थे ऑपरेटिंग कॉस्ट। अच्छा, अब ईबीआईटी आ गया, ईबीआईटी का ही दूसरा नाम क्या पड़ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्योंकि इस ईबीआईटी की कैलकुलेशन में जो ऊपर माइनस हुआ है, चाहे वेरिएबल चाहे फिक्स्ड, वो ऑपरेटिंग कॉस्ट ही माइनस हुआ है। अब ईबीआईटी में से आप बाकी के नॉन ऑपरेटिंग चीजों को देखिए, इंटरेस्ट कॉस्ट, तो ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस किया हमारे पास आ गया ईबीटी, ईबीटी में से टैक्स माइनस किया तो हमारे पास आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से फिर उसके बाद हमने प्रेफरेंस डिविडेंड अगर देना है तो दे देंगे, जो बच जाएगा तो उसको हम बोलते हैं अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करके आपके पास आ जाता है अर्निंग पर शेयर। यहाँ तक आप सभी वाकिफ है इस तरीके की इनकम स्टेटमेंट के साथ, क्योंकि अकाउंट्स में पड़ी हो गई है चीज। हम सभी जानते हैं इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वेर एज प्रेफरेंस डिविडेंड इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये वर्ड भी आपको मालूम नहीं? बहुत बढ़िया। फिलहाल आप देखो जो मैंने आपको केस 1 और 2 में कवर करवाया वो यहां तक की कहानी थी, ईपीआईटी तक की कहानी थी, राइट है जी? तो यहां तक हम बोलते हैं डिस्कस होती है ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज मतलब वो रिस्क दैट अराइजेस फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब बात ऐसी है, हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं कि जहां फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट एक तरीके से फायदा भी करवाता है नुकसान भी कराता है, वहां पर ये इंटरेस्ट जैसी चीजें भी सेम ही काम करती हैं। अब सीधी सी बात है, अगर कल को ईबीआईटी बढ़ रहा है, इंटरेस्ट ने तो अपनी जगह में रहना, हम बात किसकी कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट जी, ये तो सेम ही अमाउंट रहती है। ऐसे ही प्रेफरेंस डिविडेंड जो है देना है तो अल्टीमेटली सेम ही अमाउंट है ना, फिक्स ही अमाउंट है। तो जहां पर इस तरीके के खर्चे फिक्स हो गए, कल को जब सिचुएशन फेवरेबल है बढ़ चढ़ के फायदा होने वाला है, जहां पर सिचुएशन अनफेवरेबल है बढ़ चढ़ के मैग्नीफाइड वे में नुकसान भी होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये एलिमेंट्स भी एक रिस्क पोज कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। हेंस द वर्ड अराइजेस फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है जी, लिख लीजिए साथ साथ इसे। राइट? एंड अगर मैं पूरी इनकम स्टेटमेंट की बात करूं, जब हम दोनों तरीके के रिस्क को कंसिडर करेंगे तो एक वर्ड निकल कर आएगा कंबाइनली। सो आई विल रिपीट, फ्रॉम सेल्स टू ईबीआईटी ऑपरेटिंग लीवरेज डिस्कस होती है, ईबीआईटी से लेकर बिल्कुल लास्ट ईपीएस तक ले जाइए बेशक आप, फाइनेंशियल लीवरेज डिस्कस होगी, एंड पूरी इनकम स्टेटमेंट अगर हम एक साथ डिस्कस करें तो कंबाइंड लीवरेज डिस्कस होगी। ठीक है जी? ईपीएस तक ईपीएस तक ले जाइए, एक ही बात है, आप अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स तक ले जाए या ईपीएस तक ले जाए, एक ही बात है। ठीक
ठीक है ना, हमें फिलहाल आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग लीवरेज पर ही फोकस करना है. सो कमिंग टू ऑपरेटिंग लीवरेज, व्हाट इज ऑपरेटिंग लीवरेज, एक बार मेरे साथ साथ आप ये डेफिनेशन डिस्कस करें जो कि सेकंड पैरा में है. ये वाली थर्ड पैरा में, इट मे बी डिफाइंड एज द फर्म्स एबिलिटी टू यूज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट टू मैग्निफाई इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन सेल्स ऑन इट्स ईबीआईटी. एक फर्म अगर अपने पास फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट रखकर चलती है, कम रखकर चलती है तो कम मैग्निफाई कर पाएगी, ज्यादा रखकर चलती है तो ज्यादा मैग्निफाई करके चल पाएगी, और अगर बिल्कुल भी नहीं रखती है तो कोई मैग्निफिकेशन नहीं होगी. प्रॉफिट 10% से बढ़ रहा है क्योंकि आउटपुट 10% से बढ़ रहा है, नो मैग्निफिकेशन इफ देयर इज नो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट. तो इसी डेफिनेशन से बेटा आपके पास एक फॉर्मूला निकल कर आता है, विच इज ऑन पेज नंबर 4.4. आपके पास प्रिंटेड फॉर्मूला है बुक में ऑलरेडी. है ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स. आप अगर केस 1 एंड 2 में वापस जाओ और इस फॉर्मूला को अप्लाई करो, एक बार ही हम परसेंटेज चेंज की बात करते हैं. चलो जी चलो, केस 1 एंड 2 में वापस चलिए पहले पेज पर. हाँ जी, ये कॉलम का बताइए, यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना है? 25%. परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना हुआ था? 20%. आपके पास ये मेजर कितना आ गया? 25 डिवाइडेड बाय 20, 1.25. दोबारा से वेरीफाई करो, डिक्लाइन वाले केस में परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना था? 87.5. परसेंटेज चेंज इन सेल्स 70. ये मेजर आ रहा है 1.25. वेरीफाई हो गया जी. अच्छा मैं आपको अभी प्रूफ करूंगी. एक और फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला जो पहले बॉक्स में था, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी. मुझे बताओ ये परसेंटेज चेंज आपने कहाँ से मेजर किया, बेसिकली चेंज कहाँ से मेजर किया? पहले कॉलम की इंफॉर्मेशन से. तो पहले कॉलम में यहां पर एक फॉर्मूला लगाओ, मैं जैसा थोड़ा सा स्पेस क्लियर करना चाहूंगी. एक फॉर्मूला है आपके पास बुक में प्रिंटेड है, ऑपरेटिंग लीवरेजेस कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी. एक बार मैं इस फॉर्मूला की डेफिनेशन आपके डेरिवेशन भी बता दूंगी, बट पहले मुझे बताओ इस कॉलम में इसको अप्लाई करना सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी है? 50,000 अपॉन 40,000. ये कितना आंसर आया? 1.7. जो मैंने आपको परसेंटेज चेंज में वेरीफाई करवाया वो यहाँ पे 1.25 है. इस चीज का क्या मतलब है कि अगर मैंने लेट अस से ओरिजिनल सिनारियो का ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिया 1.25, तो मैं ओरिजिनल सिनारियो से जितने मर्जी रिवाइज सिनारियो बना लूं, अब मुझे बार बार इतनी लंबी चौड़ी इनकम स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर हम बोले कि जी हम 2019 को ओरिजिनल सिनारियो मानते हुए 2021 का एक बजट तैयार करना चाहते हैं और उस बजट में आउटपुट 30% से बढ़ रहा है, मतलब हमारा सेल्स कैलोवर्ट, क्योंकि सेल्स इंक्रीज हो रही है मतलब आउटपुट इंक्रीज हो रहा है 30% से. मैं आपसे पूछूं व्हाट इज प्रॉफिट इंक्रीज इन 2021, आपको दोबारा से ये इनकम स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है. आप चेंज कहाँ से मेजर कर रहे हो? 2019 से. 2019 के लिए आपने ऑपरेटिंग लीवरेज ऑलरेडी निकाली हुई है कितनी? 1.5. आप फॉर्मूला फिट करो जी. ऑपरेटिंग लीवरेज कहती है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स. 1.25 है. परसेंटेज सेल्स कितना था? 30%. व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन ईडीआई? 30 मल्टीप्लाइड बाय 1.25%, व्हाट एवर इट इज 37.5 से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा. मतलब हम सीधा ये भी बता सकते हैं प्रॉफिट कितना रुपया, 40,000 से, क्योंकि ओरिजिनल से हम बात करें 40,000 से इंक्रीज है. तो बेसिकली लीवरेज अगर हमने मेजर कर ली एक आउटपुट लेवल के लिए, तो कहीं ना कहीं बिजनेस को पता चल जाता है कि लुकिंग एट फ्यूचर स्कोप बिजनेस को कितना रिस्क है. मान लो मुझे पता है कि अगले साल थोड़ी रिसेशन आने वाली है, हमें पता है करेंटली अगर हमने फिक्स कॉस्ट बर्डन ज्यादा लिया हुआ है तो नेक्स्ट ईयर नुकसान होने के चांसेस है. ये फायदा होता है लीवरेज कैलकुलेट करने का. ऐसे एक बार जरा आप लोग देखो, एक बार कंफर्म करो क्या ये अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो रही है. आप केस टू में ओरिजिनल सिनारियो का ऑपरेटिंग लीवरेज बाय द फर्स्ट फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी कैलकुलेट, 70,000 अपॉन 40,000 कितना आ रहा है जी? 1.75. तो जब इसी ओरिजिनल सिनारियो के से हमने चेंजेस मेजर किए
तो बताओ यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स 1.75 बन रहा है जी, 35/20। इधर परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी 122.5% डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स 70%, अगेन 1.75 आ रहा है जी। तो हमने क्या बात की कि जब ओरिजिनल सिनारियों के लिए आप लीवरेज कैलकुलेट कर चुके हैं बाय दिस फॉर्मूला, आप ओरिजिनल सिनारियों से रिवाइज सिनारियों की तरफ जा सकते हैं बाय यूजिंग परसेंटेज चेंज फॉर्मूला। तो लीवरेज के दो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहे हैं जी, ऑलरेडी आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला ऑन पेज 4.3 और सेकेंड फॉर्मूला ऑन पेज 4.4। क्लियर हो गया ये फॉर्मूला? अच्छा, अब मेन तो फॉर्मूला ये है जी, जो कि डेफिनेशन से निकल कर आ रहा है। जब हम इसी चीज को सॉल्व करते हैं ना, तो हम सॉल्व करते करते यहां पर पहुंच जाते हैं। नो व्हाट आईसीआर इज डूइंग इज, वो आपको डेरिवेशन तो इस चीज की बता रहा है, बट दैट डेरिवेशन एक्चुअली इज ऑफ नो रेलेवेंस, क्योंकि वो कभी पूछी नहीं जाती है। अल्टीमेटली क्या है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी है। मैं अगर आपको बताऊं परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बेसिकली क्या है, कि ये रुपी वैल्यू चेंज इन ईबीआईटी कहां से, ओरिजिनल ईबीआईटी से। ऐसे ही परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ओरिजिनल सेल्स वैल्यू क्या है और वहां से सेल्स वैल्यू कितनी चेंज हुई है, इस चीज को जब हम सॉल्व करते हैं, फिर इन्होंने ईबीआईटी को एक्सपैंड किया कि इट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। सो दैट काइंड ऑफ डेरिवेशन इज गिवन इन योर स्टडी मॉड्यूल। मैं क्लास का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगी, स्पेशली व्हेन आई नो कि वो एक डेरिवेशन की कोई रेलेवेंस नहीं है। स्टिल किसी ने मेरे साथ वो डेरिवेशन को भी डिस्कस करनी होगी, इंडिविजुअल बेसिस पर आके डिस्कस कर सकते हैं, बट वैसे वो वर्थ नहीं है क्लास के टाइम। ठीक है जी, ऑलराइट। अब एक चीज आप अपने पास क्लैरिफिकेशन में लिखेंगे यहां पर फर्स्ट फॉर्मूला में, दैट इट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ सेल्स। इट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ सेल्स। ठीक है, और सेकेंड वाले फॉर्मूला के बगल में लिखेंगे मेजर्ड, लिखेंगे चेंज इज मेजर्ड फ्रॉम दैट लेवल ऑफ सेल्स फॉर विच फर्स्ट फॉर्मूला इज अप्लाइड। चेंज इज मेजर्ड फ्रॉम दैट लेवल ऑफ सेल्स फॉर विच फर्स्ट फॉर्मूला इज अप्लाइड। बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि अगर आपने 2019 के लिए ये फॉर्मूला लगाया पहले वाला, तो 2019 से ही चेंज मेजर करेंगे अगर आपने परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला लगाया। ठीक है जी, ऑलराइट। अब बेटा ऐसा है, वैसे तो ऑपरेटिंग लीवरेज के डिस्कशन में और भी बात है, बट थिंग इज कि अगर मैंने आपको न्यूमेरिकल कंटेंट स्टार्ट नहीं करवाया तो आप मुझे यहाँ से बाहर निकल दोगे, इसलिए हम पहले क्वेश्चंस करेंगे और बाद में फर्दर डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी, स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूंगी हाउ माई बुक्स आर डिजाइंड। मेरी बुक में कॉन्सेप्ट या तो ऑलरेडी पहले से प्रिंटेड रहेगा, या आपको उसके लिए स्पेस प्रोवाइड की जाएगी कि आप बुक में ही कॉन्सेप्ट लिख सकें। जैसे कि यहाँ पर हमने कुछ चीजें लिखनी होगी तो स्पेस इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड। आपकी कॉपीज में क्या जाएगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन, एंड ऑल्सो जो आपकी बुक्स में ही जो ये क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन में आइडेंटिफाई किया हुआ है कि कौन से क्वेश्चन आईसीआई स्टडी मॉड्यूल से हैं या कौन से एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, जिनके बगल में कोई रिमार्क नहीं है। मतलब आप ये सोच सकते हैं कि आईसीआई का ही क्वेश्चन है बट पुरानी से पुरानी स्कीम्स का चला आ रहा हो। मेनली ये सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोई नया सब्जेक्ट तो है नहीं है जी, सालों साल से चला आ रहा है। जब मैं स्टूडेंट थी उनके टाइम पे भी यही टॉपिक्स थे, राइट? तो ये पुराने सोर्सेस से भी कुछ उठाए हुए क्वेश्चन है। मैं जरूरी समझती हूँ पुराने सोर्सेस से क्वेश्चन रखना, बिकॉज आईसीआई क्या करता जा रहा है, जब वो नई नई स्कीम अनाउंस करता है ना, वो अपने पास क्या कर रहा है, मॉड्यूल रिलीज करता है। आप सभी के पास मॉड्यूल्स होंगे, देखना जरा एक चैप्टर के कुछ क्वेश्चन होंगे नहीं खास प्रैक्टिस वाले, एंड ये सब्जेक्ट मांगता ही प्रैक्टिस है। आपका एक चैप्टर में सिर्फ 10 या 20 क्वेश्चन करके काम चलेगा नहीं, तो आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए। एंड अभी जो कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर होकर हटा है सैटरडे को, उन्होंने उसमें हरकत पता क्या किया, पुरानी जो स्कीम थे उसके क्वेश्चंस डाल दिए। वो बुक मेरी बुक में ऑलरेडी थे, तो बच्चा मुझे फोन करके कहता है मैम आपकी बुक में से क्वेश्चन।
जबकि वो स्टडी मॉड्यूल में नहीं है, जो लेटेस्ट स्टडी मॉड्यूल है। इट इज जस्ट दैट आईसीआई का ही क्वेश्चन है, बट वो भी मेहनत नहीं कर रहे हैं नए क्वेश्चन बनाने की, वो भी अपने पुराने पुराने रिसोर्सेज उठाकर क्वेश्चन दे रहे हैं। तो मैंने फिर भी एक मार्कर आपके लिए रखा हो कि कल को आप बोलो मैम हमारे पास प्रैक्टिस करने का टाइम एक कम पड़ गया है, या एक बार ही सब कुछ हाथ से निकाल चुके हैं, दूसरे रिवीजन दोबारा से एक्सटेंसिव नहीं करना चाहते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करवा दो। बच्चे हमेशा ये बोलते हैं, तो मैं ये बोलूंगी बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज नथिंग बट मॉड्यूल क्वेश्चन आर प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो कि आपके बुक में ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 1 पर आएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 1, कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 10,000 शर्ट्स जी, सेलिंग प्राइस पर शर्ट इज 500 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट इज 200 पर शर्ट एंड फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज ₹25 लाख। कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज एंड इफ सेल्स आर अप बाय 10% देन व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन पीबीटी। देखो बच्चे, ऑपरेटिंग लीवरेज के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे इधर, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ऐसा है लीवरेज इस चैप्टर में क्वेश्चन डायरेक्टली कभी नहीं बोलेगा, बट हमेशा बाय डिफॉल्ट आप अपने पास इनकम स्टेटमेंट बनाकर ही चलेंगे। बेशक एक नोट लिख लो कहीं पर भी, पेज नंबर 4.4 के लास्ट में लिख लो या टॉप मार्जिन में लिख लो, कहीं पर भी लिख लो बच्चे, दैट प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट इन एवरी क्वेश्चन ऑफ लीवरेजेस वेर एवर पॉसिबल। आपको ईबीआईटी निकालना ही है तो इनकम स्टेटमेंट तो बनानी पड़ेगी। चलो जी बनाओ इनकम स्टेटमेंट। नो शॉर्टकट, प्रेजेंटेशन का पूरा ध्यान रखना है। सेल्स इंटरनल कॉलम में वर्किंग भी लिखनी है, 10,000 शर्ट्स है और पर शर्ट सेलिंग प्राइस कितना है 500, तो सेल वैल्यू कितनी आ गई 50 लाख। माइनस वेरिएबल कॉस्ट, 10,000 शर्ट्स है और पर शर्ट वेरिएबल कॉस्ट है 200, तो वेरिएबल कॉस्ट आ गए 20 लाख। हमारे पास आ गया जी कॉन्ट्रीब्यूशन। ₹30 लाख कॉन्ट्रीब्यूशन में से माइनस करवाएंगे आप फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है 25 लाख, तो आपके पास ईबीआईटी आ रहा है 5 लाख। नाउ टू आंसर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी है 30 लाख, ईबीआईटी कितना है 5 लाख, तो ये आंसर हमारे पास कितना आ रहा है 6, और इसको डिनोट बच्चे हम करते हैं इन टाइम्स, दैट ऑपरेटिंग लीवरेजेस 6 टाइम्स। ठीक है, इसका एक तरीके से ये मतलब भी है दैट कंट्रीब्यूशन इज 6 टाइम्स ईबीआईटी, राइट। अच्छा अब एक बारी इसको कैलकुलेट करने की सिग्निफिकेंस क्या है, सेकंड रिक्वायरमेंट में समझ में आएगी। सेकंड रिक्वायरमेंट आपसे क्या पूछ रही है, दैट इफ सेल्स आर अप बाय 10% व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन ईबीआईटी। अब बच्चे सेल्स आर अप बाय 10%, आप ही बोलोगे मैम मैम पहले 50 लाख की थी 55 लाख की हो गई, इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। नहीं बेटा, फिर लीवरेज कैलकुलेट करने का पॉइंट क्या है, आप लीवरेज के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। लीवरेज का दूसरा जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला लगाओ
परसेंटेज चेंज इन ईवीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। हाँ जी, ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर आया हुआ है 6। इन्होंने परसेंटेज चेंज इन सेल्स बताया है 10% और परसेंटेज चेंज इन ईवीआईटी का आंसर बताइए। तो परसेंटेज चेंज इन ईवीआईटी इज 60%। ठीक है, आप नोटिस कीजिए अभी तक मैंने वर्ड यूज किया है जी चेंज 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 चेंज, अभी तक मैंने इंक्रीज या डिक्रीज वर्ड यूज नहीं किया है। मुझे बताओ ये 10% इंक्रीज था या डिक्रीज था? इंक्रीज। तो अब हम फाइनल कंक्लूजन देंगे दैट इफ सेल्स इंक्रीज बाय 10% देन ईबीआईटी विल इंक्रीज। ये भी इंक्रीज होगा बाय कितना? 60%। ठीक है जी, एंड हेंस प्लीज कैलकुलेट रिवाइज्ड ईबीआईटी फॉर मी। ये 60% इंक्रीज कहाँ से हो रहा है? ओरिजिनल ईबीआईटी से। ओरिजिनल ईबीआईटी कितना है? 5 लाख। 5 लाख को 60% से बढ़ा दो, कितना आ गया रिवाइज ईबीआईटी? तो ये फायदा है लीवरेज कैलकुलेट करने का कि विदाउट मेकिंग इनकम स्टेटमेंट आपने सीधा स्टेप्स परफॉर्म करके बता दिया ईबीआईटी में क्या चीज। ठीक है जी, राइट यहां तक बात समझ में आ रही है एवरीवन विद मी सो फार? चलो देखते हैं बात कितनी समझ में आई है। आप सभी लोग मेरे साथ करेंगे कुछ सेवा। सेवा का क्या मतलब होता है? चीज क्वेश्चन ने नहीं पूछी है फिर भी हम एक्स्ट्रा तौर पे कर रहे हैं, एक्स्ट्रा भाव है हमारा, श्रद्धा भाव है सेवा करने का। और हम क्लासेस में सेवा क्यों करेंगे? क्योंकि जब हम करते हैं सेवा तभी हमको मिलता है मेवा। मेवा लेना मतलब अच्छे मार्क्स लेने हैं ना, तो एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा काम मैं आपको बोल रही हूँ, बुक में लिखेंगे, बुक में एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट हमने खुद से बना ली। इफ सेल्स डिक्रीज बाय 20%, डिक्रीज बाय 20% कैलकुलेट रिवाइज ईबीआईटी। चलो ठीक है, काम आप लोग मुझे करके बताएंगे। अच्छा लॉस ऑफ 1 लाख, 1 लाख मुझे बताया जा रहा है रिवाइज सीबीआईटी। सभी के पास ही आ रहा है?
हाँ जी, तो परसेंटेज डिक्लाइन इन ईबीआईटी कितना है? 120%। ओरिजिनल ईबीआईटी कितनी है हमारे पास? 5 लाख। 5 लाख से ये गिरेगी 120% से, तो बेसिकली हमारे पास 6 लाख का डिक्लाइन। 5 लाख में से 6 लाख का डिक्लाइन, यानी कि -1 लाख। सभी के पास ये आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है जी, ठीक है, डन डन। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएंगे सभी लोग प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर ईच ऑफ द 4 फॉर्म्स ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग प्राइस एंड कॉस्ट डेटा। हमारे पास 4 फॉर्म्स का लेटेस्ट सेलिंग सेल प्राइस पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है। व्हाट कैलकुलेशंस कैन यू ड्रॉ विद रिस्पेक्ट टू लेवल्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज रिजल्ट एक्सप्लेन। अज्यूम नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इज 5,000। हर फॉर्म्स के लिए आउटपुट है 5,000, तो हमको अब अगेन ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर निकालना है और फिर उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन देनी है। वो एक्सप्लेनेशन करवाना मेरा काम है, फिलहाल आप स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इनकम स्टेटमेंट ए की कॉलम में, एक ही स्टेटमेंट में बेसिकली सबके कॉलम्स बन जाएंगे, मेरे साथ साथ शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 2, इनकम स्टेटमेंट हमारे पास फॉर्म्स हैं 4, ए बी सी और डी। सेल्स 5,000 × रिस्पेक्टिव सेल प्राइस पर यूनिट, 5,000 × 20 1 लाख, इधर 1,60,000 है, इधर 2,50,000 है एंड इधर 3,50,000। फाइव थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 30,000, 80,000, 1 लाख एंड 2,50,000 आपके पास आ रही है जी कॉन्ट्रीब्यूशन। सेवेंटी थाउजेंड, 80,000, 1,50,000 एंड 1 लाख। कॉन्ट्रीब्यूशन में से माइनस कीजिएगा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट 60,000। तो आपके पास पहली फर्म का ईबीआईटी आ रहा है 10,000। लीजिए नाउ, यहीं पर ही ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट कर लीजिए। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी कीजिए कैलकुलेट। पहली का 7 टाइम्स, फिर दूसरी का 2 टाइम्स, फिर थर्ड का 3 टाइम्स एंड लास्ट में 1। ठीक है जी, नाउ वी हैव टू कमेंट ऑन दिस रिजल्ट। कमेंट में क्या, सबसे पहले ना हम फर्म डी की बात करते हैं जी।
ऑपरेटिंग लीवरेज 1 होने का मतलब बोला जाता है ऑपरेटिंग लीवरेज डज नॉट एग्जिस्ट। नो बाय वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट मतलब ये नहीं मतलब 0 हो जाए, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब कोई फिक्स्ड कॉस्ट हमने रखा नहीं, इसलिए कोई मैग्निफिकेशन है ही नहीं। आप ये देखो, अगर आप एक सिनारियो अज्यूम करो, सिर्फ सिर्फ फर्म टी में लिखना नहीं है, सिर्फ बात को समझेंगे। अगर फर्म टी में आउटपुट इंक्रीज हो रहा है 10%, तो मुझे बताओ फर्म टी की इंक्रीज सेल्स कितनी हो जाएगी? 3,85,000। आप उनका वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 250 प्लस 275 आई गेस। अगर आउटपुट इंक्रीज हो रहा है मतलब यूनिट 5,000 से 5,500 हो गए, तो वेरिएबल कॉस्ट भी प्रोपोर्शनली इंक्रीज होगा। अच्छा, कंट्रीब्यूशन कितनी हो गई? 1,10,000। फिक्स कॉस्ट कोई है नहीं, तो ईबीआईटी भी 1,10,000। अगर मेरा आउटपुट बढ़ा 10% से, मेरा ईबीआईटी भी 10% से ही बढ़ा है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट रखने का कोई फायदा नहीं हुआ यहाँ पे, कोई फिक्स कॉस्ट है ही नहीं। अगर फिक्स कॉस्ट होती तो यही प्रॉफिट मैग्निफाइड वे से इंक्रीज होता, 10% से ज्यादा ही इंक्रीज होगा। ठीक है जी, तो हम बोलते हैं फर्म डी इज एन अनलीवर्ड फर्म। अनलीवर्ड फर्म मतलब इसके पास कोई लीवरेज है ही नहीं, मतलब नो मैग्निफिकेशन एग्जिस्ट, नो मैग्निफिकेशन ऑफ ईबीआईटी इज पॉसिबल। ये ज्यादा ही सेफ गेम खेल गई है अगर इसने रिस्क नहीं लिया तो। ठीक है जी, जहां फर्म डी को हमने बोल दिया इट इज एन अनलीवर्ड फर्म, वहीं पर फर्म्स ए बी एंड सी को हम बोल सकते हैं दीज आर लीवर्ड फर्म्स। लीवर्ड फर्म्स मतलब इनके पास लीवरेज है, बट फर्म ए को लेकर स्पेसिफिकली बोलेंगे इट इज अ हाईली लीवर्ड फर्म। हाईली लीवर्ड फर्म का मतलब इसके पास ज्यादा लीवरेज है, ज्यादा रिस्क है, 7 टाइम्स इज टू हाई रिस्क। कल को आउटपुट डिक्लाइन कर गया 20% से, तो ईबीआईटी कितने परसेंट से डिक्लाइन करेगा बताओ? अगर आउटपुट डिक्लाइन कर गया 20% से, ईबीआईटी डिक्लाइन करेगा 140% से। 140% से डिक्लाइन करना मतलब एक अच्छा खासा प्रॉफिट कैन कन्वर्ट इनटू लॉसेस नाउ। मोर देन 100% डिक्लाइन इन प्रॉफिट मतलब सीधा लॉस में चले। अब फर्म्स बी एंड सी, इनके पास लीवरेज है, बट ये इसको हम बोलेंगे मॉडरेट लीवरेज है, मॉडरेटली लीवर्ड, ठीक ठाक है, चलेगा, इतना टॉलरेबल भी रहता है। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि ऑलवेज एंड ऑलवेज को एक लीवरेज का एक ऑप्टिमम नंबर होना चाहिए कि 2 या 3 तक ठीक रहती है, 7 हमेशा ही रिस्की रहेगा। इट कैन डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ इंडस्ट्री ऑल्सो। अगर इंडस्ट्री आउटलुक ही ऐसा है कि एक एक्सपेंशन का स्कोप है, आगे इंक्रीज होने का स्कोप है आउटपुट का, तो फिर ये 7 टाइम्स हमें कोई बुरी लग रही है क्या? नहीं, ये तो इनफैक्ट और अच्छी लगेगी, क्योंकि अगर आउटपुट इंक्रीज कर रहा है 20% से, प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है 140%, तो जहां एक डिपेंड्स अपॉन दी फ्यूचर स्कोप कि हमको फ्यूचर स्कोप क्या लग रहा है, उसके हिसाब से हम बोलते हैं कि ये लीवरेज हमने जो ली हुई है ये सही है बिजनेस के लिए या नहीं सही। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? ओके, नाउ बिफोर प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे ऐसा है इफ यू टेक अ लुक एट योर नोट्स, क्योंकि यही नोट्स आपके बुक में भी पहुंचे होते हैं, तो एक तरीके से हमारा चैप्टर कैसे कंस्ट्रक्टेड होता है, पहले तो आपके पास एक नॉर्मल क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। इन क्वेश्चंस के एंड पर यू विल फाइंड एग्जामिनेशन क्वेश्चंस और सम, जहां पर चैप्टर खत्म हो रहा है सिर्फ उससे रिलेटेड क्वेश्चन खत्म हो गए, हेडिंग स्टार्ट हो जाती है एग्जामिनेशन क्वेश्चन की। कैन यू प्लीज टेल मी कौन सा पेज नंबर रहेगा वो? मैं ही आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करूंगी। 4 पॉइंट, पेज नंबर 4.2, ठीक है। एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के एंड पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है? ये देखो, यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चंस खत्म हुए होंगे टिल क्वेश्चन नंबर 35, फिर एग्जाम क्वेश्चन स्टार्ट होता है। एग्जाम क्वेश्चन आपके, बाय द वे, पुरानी स्कीम जो कि आई थी मई 2018 में, मई 2018 से लेकर नवंबर 2023 तक सारे एग्जामिनेशन क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज कंपाइल मिल जाएंगे, ठीक है जी। ऑब्वियसली बात है, मई 24 अभी हुआ ही थी, बुक्स ऑलरेडी प्रिंटिंग में जा चुकी है, तो मई 24 का क्वेश्चन यहाँ पर नहीं इंक्लूडेड है। फिर उसके बाद क्या है, एक्स्ट्रा
प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब बचे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन का मतलब वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपको कभी ना कभी एटलीस्ट एक बार अपने हाथ से देखो निकालना है, बट ये क्लास के टाइम के वर्क नहीं है, ये आपका खुद का काम रहेगा और आपको ये सॉल्व बेसिस पर भी प्रोवाइड किए गए हैं। ये नहीं है सिर्फ फाइनल आंसर दिया हुआ है, प्रॉपर स्टेप वाइज सोल्यूशन है, तो ये कभी ना कभी आपको अपने हाथ से निकालने निकालने। किसी किसी चैप्टर के आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, इस चैप्टर के हैं किसी चैप्टर के नहीं भी मिलेंगे, क्यों? क्योंकि वो चैप्टर अपने आप में ऑलरेडी मेन क्वेश्चंस लेकर चल रहा है 50। आप बोलोगे मैम यही 50 होते, हम एक्स्ट्रा आपसे कभी मांगेंगे नहीं, ठीक है? सीधी सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। तो उसमें भी आप 50 में भी आप फिल्टर करने को बोलते मैम इसमें ही मांग करा दो, क्या करना है क्या नहीं करना, तो ऑब्वियसली उसमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन कोई होगा नहीं। बट इस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर किया गया हुआ है। मेन बुक जो आपको मिलेगी उसमें आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन के बाद मिलेंगे थ्योरी नोट्स, हर चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी नोट्स, जो कि हमारा अलग ही चीज है। थ्योरी को हम क्लास के साथ साथ बहुत कम डिस्कस करते हैं, उसके अलग से क्लास, ठीक है जी? ओके तो खैर अभी फिलहाल तो हम मेन कंटेंट की तरफ चलते हैं। नाउ आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कभी ना कभी बीकॉम में या पहले कभी आपने पुरानी स्कीम में ग्रुप वन किया होगा, तो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, हल्का सा आइडिया हो? हाउ मेनी ऑफ यू, ऑल ऑफ यू एंड इवन ऑनलाइन स्टूडेंट्स में? आई हैव सोनम एंड वेदे, ठीक है। अभिनव आपका? जिन भी बच्चों ने पढ़ा हुआ है आप वाकिफ होंगे इन दी मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर विद अ टर्म कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है? ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला कोई मुझे बच्चे बता सकते हैं? ठीक है अभिनव आप भी वाकिफ है, परफेक्ट। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का फॉर्मूला कोई बच्चा मुझे बता सकता है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर, ठीक है जी? ऑलराइट, परफेक्ट। अच्छा उस चैप्टर में एक और टर्मिनोलॉजी होती थी विच वाज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। किसी को ये मालूम है मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता था? डेफिनेशन यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी तो हम ब्रेक इवन पॉइंट पे रहेंगे कि मतलब ना हमें लॉस होगा ना और प्रॉफिट। वो तो ब्रेक इवन पॉइंट होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। एग्जैक्टली हमारा लेटर से ब्रेक इवन पॉइंट है लेटर से 5,000 यूनिट्स, एंड असली में हम बेच रहे हैं 8,000 यूनिट्स, तो हम ब्रेक इवन पॉइंट के ओवर एंड अबव कितना ऑपरेट कर रहे हैं? 3,000 यूनिट्स। दिस 3,000 यूनिट्स इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्योंकि जहां हमने ब्रेक इवन पॉइंट क्रॉस कर लिया हम सेफ्टी जोन में आ गए हैं। नाउ वी हैव स्टार्टेड अर्निंग प्रॉफिट, तो उसको हम बोलते हैं, उस एक्स्ट्रा आउटपुट को हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये टर्मिनोलॉजी क्लियर है जी? अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक ये फॉर्मूला तो होता था, हम उसे बोलते थे एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। इसका एक और फॉर्मूला होता था मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, इफ अगर आप कहेंगे तो मैं प्रॉपर्ली से डिस्कस भी करा दूंगी, इन रुपीज का आंसर आता था। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपी इज प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। डू आई नीड टू डिस्कस दिस डेरिवेशन, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो? चलो करवाई देते। अच्छा आपको ये पता है सेल्स इन रुपी का एक फॉर्मूला होता था, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, ये जानते हैं सभी लोग, ठीक है? नहीं आप नहीं जानते हैं ये फॉर्मूला? नेवर माइंड, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। एक बारी के लिए चलो इनकम स्टेटमेंट ही हम स्टार्ट करते हैं। सेल्स इन रुपी, ठीक है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपके पास क्या आया? कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट आया हमारे पास आ गया प्रॉफिट। कई बार ना क्वेश्चन हमसे पूछता है ऐसा, कुछ क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्टिंग में बना करता था, दैट इफ अ कंपनी वांट्स टू अर्न अ टारगेट प्रॉफिट ऑफ सो एंड सो, हाउ मेनी रुपी वैल्यू ऑफ सेल्स इट नीड्स टू जनरेट। इस तरीके से क्वेश्चन बनता था, हम ये फॉर्मूला लगा लिया करते थे। बट एक्चुअली ये फॉर्मूला निकल कर कहाँ से आए? अगर इस इनकम स्टेटमेंट की तरफ रेफर करें, लेटर से आपको एक फिक्स कॉस्ट की फिगर गिवन है और आपको टारगेट प्रॉफिट भी दे दिया, कैनवी से आपके पास एक टारगेट कॉन्ट्रीब्यूशन निकल करेगी, ठीक है जी? टारगेट कंट्रीब्यूशन आपको गिवन है और आपको पीवी रेशियो भी गिवन है, आपको सेल्स इन रुपी आ जाएगा। बाय द वे डू यू नो व्हाट पीवी रेशियो इज? पीवी रेशियो क्या होता है? कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है। लेट अस से मैं अगर न्यूमेरिकल फिगर्स के साथ काम करूं, मेरा फिक्स कॉस्ट गिवन है 1 लाख, मेरा टारगेट प्रॉफिट है 50,000, मेरी टारगेट कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी आ जाएगी? 1.5 लाख। एंड इफ आई नो माई पीवी रेशियो टू बी 30%, नो वट इज माई टारगेट सेल्स वैल्यू? बताना तो, 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 30% करना।
5 लाख, तो हम 5 लाख इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम मार्जिनल कॉस्ट में पढ़ते हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। आप फिक्स्ड कॉस्ट की रुपए वैल्यू को रखो 1 लाख, आप प्रॉफिट को रखो 50,000, अपने आप इन्यूमरेटर में टारगेट कंट्रीब्यूशन आ गई, टारगेट कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो किस में, टारगेट रुपए वैल्यू में सेल्स, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला क्लियर हो गया आपको। ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस फॉर्मूला और इसको अगर मैं तोड़ तोड़ के, सेल्स इन रुपी, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो अलग कर लो और प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो अलग कर लो, ठीक है? मुझे बताओ फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो क्या बनता है? ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट अभी आपने मुझे क्या बताया था, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पढ़ी आता था, इन यूनिट्स, अगर हमें इन रुपी चाहिए तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो होता था, क्लियर है? तो ये एक चीज आ गई, ब्रेक इवन पॉइंट इन पी। सोचो एक्चुअल सेल्स में से अगर आप ब्रेक इवन सेल्स हटा दो, बचता क्या आपके पास? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक और फॉर्मूला है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपी इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ये बात समझ में आ गई सभी को? ये फॉर्मूला एक और हम मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ते हैं। व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस थिंग, क्योंकि ये ऑपरेटिंग लीवरेज से रिलेटेड है कॉन्सेप्ट, जरा ध्यान से देख। एक और चीज होती थी मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो, ये कॉन्सेप्ट बोलता था मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअल सेल्स का कितना परसेंट। अभी मैंने ऊपर वाले एग्जांपल में आपको क्या बताया, अगर एक्चुअल सेल्स है 8,000, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना था 3,000, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो कैसे आएगी, 3,000 अपॉन 8,000 × 100, ये परसेंटेज में, राइट? नाउ ये बोला जाता है ऑपरेटिंग लीवरेज इज रेसिप्रोकल ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो, ये एक मेन कॉन्सेप्ट है। ये बना कैसे, जरा ध्यान से देखो। मैं अगर आपको बोलूं मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपी को यहां पे रखो, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, ठीक है, ये इन रुपी है। अच्छा ये डिवाइड हो रहा है एक्चुअल सेल से, तो मैंने आपको यहां पर बोल दिया सेल्स इन रुपी को, एक्चुअल सेल्स वही बात हो गई जी। अच्छा आप ये देखो इन दोनों को एक साथ डिस्कस करो, पीवी रेशियो मल्टीप्लाइड बाय सेल्स इन रुपी, वैल्यू क्या आपकी, सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो, कॉन्ट्रीब्यूशन, तो मेरे डिनोमिनेटर में कॉन्ट्रीब्यूशन पहुंच गई, न्यूमरेटर में क्या है प्रॉफिट, और एफएम में जो कॉस्टिंग का प्रॉफिट है उसको हम एफएम में प्यार से क्या बोल रहे हैं, ईबीआईटी। तो जहां एमओएस रेशो का एक डेरिवेशन निकल कर आ गई, ईबीआईटी अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन, ऑपरेटिंग लीवरेज इसी का एक रेसिप्रोकल है। तो मेनली मुझे आपको क्या डिस्कस करवाना था, ऑपरेटिंग लीवरेज इज रेसिप्रोकल ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो, ये थी डेरिवेशन। अगर काश ग्रुप 1 में ही रह जाता कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो शायद इतना कष्ट भी ना होता एक्सप्लेन करने को, डायरेक्टली हम पहुंच जाते इस डेरिवेशन। बट फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, पेज नंबर जहां पर आपका ये टेबल बना हुआ है, पेज नंबर 4.4 जी, पेज नंबर 4.4 जहां पर लिख लीजिए एक बार कि ऑपरेटिंग लीवरेज इज रेसिप्रोकल ऑफ एमओएस रेशियो। जब आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में पहुंच जाएंगे इस चीज की 100% क्लैरिटी मिल जाएगी, बट फिलहाल के लिए इतना पता करना बहुत है। अगेन आई वुड से डेरिवेशन आपके स्कोप में नहीं थी, समझ में आ गई तो ठीक, नहीं समझ में आ गई अलग से टाइम लीजिए मेरे साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्लास में हमें आगे बढ़ना, ठीक है जी? लेट्स डिस्कस अबाउट द एनालिसिस की ऑपरेटिंग लीवरेज का कॉन्सेप्ट, बाकी बात क्या कह रहा है, स्टार्टिंग से देखते हुए टेबल में, इफ देयर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट, इफ देयर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट, मुझे बताओ कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है उसका क्या मतलब, अनलीवर्ड फॉर्म है, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू 1 आएगी, ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू 1 आएगी, एक सेकंड, इसका क्या मतलब है, ऑपरेटिंग लीवरेज डज नॉट एग्जिस्ट, या नो मैग्निफिकेशन ऑफ ईबीआईटी, ईबीआईटी उतने ही परसेंट से चेंज होगा जितने परसेंट से आउटपुट चेंज था। नाउ लोअर फिक्स्ड कॉस्ट मतलब लोअर ऑपरेटिंग लीवरेज, एंड हायर फिक्स्ड कॉस्ट मतलब
हायर ऑपरेटिंग लीवरेज, फिक्स्ड कॉस्ट कम, तो लीवरेज का आंसर भी कम ही आएगा। अच्छा, हायर ऑपरेटिंग लीवरेज विल इम्प्लाई हायर नहीं, हायर फिक्स कॉस्ट, ये मैं थोड़ी ना आपको डिस्कस करवाऊंगी, ये सुनो, हायर फिक्स कॉस्ट मतलब हायर ऑपरेटिंग लीवरेज, हायर ऑपरेटिंग लीवरेज मतलब हायर फिक्स कॉस्ट, ये थोड़ी ना डिस्कस करेंगे। मेनली इसका मतलब होगा कि ब्रेक इवन पॉइंट भी बाद में आएगा। एक बार इस चीज को डिस्कस करते हैं। आपका नाम बेटा? यश। हाँ जी, तो यश ने ठीक बोला मैम, हायर ऑपरेटिंग लीवरेज मीन्स हायर फिक्स्ड कॉस्ट, बट इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, वो ब्रेक इवन पॉइंट जिसका फॉर्मूला क्या रहता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो या फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जो भी, बट न्यूमरेटर में तो क्या है, फिक्स कॉस्ट। अगर फिक्स कॉस्ट ही हायर है तो ब्रेक इवन भी लेटर स्टेज पर आएगा, बाद में आएगा। बट अगर लोअर ऑपरेटिंग लीवरेज है, व्हाट डज इट सिग्निफाई, लोअर फिक्स कॉस्ट, लोअर फिक्स कॉस्ट मतलब लोअर ब्रेक इवन पॉइंट, लोअर ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन भी जल्दी आएगा, एक बिजनेस नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पर भी जल्दी पहुंचेगा अगर उसने फिक्स कॉस्ट कम लिया होगा। बात समझ में आ रही है जी? ओके, अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। इफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी राइजेस, बच्चे मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब वो सेफ जोन, सेफ जोन हमारा इंक्रीज हो रहा है। आप ऐसे समझो बात को, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है 5,000 यूनिट्स पर, पहले हम आउटपुट बेच रहे थे 8,000 यूनिट्स, मुझे बताना मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना था, 3,000 यूनिट्स। कह रहे हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी और बढ़ गया, मतलब लेट अस से अब मेरा आउटपुट जो है वो 12,000 यूनिट्स, तो मुझे बताना मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना, ब्रेक इवन पॉइंट 7,000 यूनिट्स। तो अगर मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब है, आउटपुट बढ़ रहा है, तो सबसे पहले लाइन आपने क्या लिखी, इफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी राइजेस आउटपुट इंक्रीजेस। अब आउटपुट इंक्रीज करने से क्या होगा, एक तरीके से हमारा बिजनेस रिस्क गिरेगा, बिजनेस रिस्क गिरेगा। रिस्क क्यों कम हो रहा है, रिस्क क्यों कम हो रहा है, सोचो कैसे, कौन सा रिस्क, बिजनेस रिस्क मतलब फिक्स कॉस्ट कवर हो रहा है नहीं हो रहा उस चीज करने से, ब्रेक इवन पॉइंट से दूर चले गए, या ऐसे बोल सकते हैं फिक्स कॉस्ट की कवरेज और ग्रेट हो गई, आउटपुट इंक्रीज कर रहे हैं तो मतलब कंट्रीब्यूशन बढ़ा रहे हैं, फिक्स कॉस्ट तो वही है, मतलब ईबीआईटी बढ़ रहा है, एक तरीके से जो फिक्स कॉस्ट नाम का रिस्क लिया हुआ था वो और कम हो जाता है क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन ही अपने आप में इतनी अच्छी हो गई है। तो आपने बिल्कुल ठीक बताया, बिजनेस रिस्क फॉल्स। एंड आफ्टर ऑल लीवरेज इज अ मेजर ऑफ रिस्क, तो क्या हम बोल, क्या बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज डिक्लाइंस, ऑपरेटिंग लीवरेज डिक्लाइंस, मतलब अगर हम रिवाइज्ड आउटपुट पर ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, तो हमको गिरी हुई ही दिखाई देगी, डिक्लाइंड दिखाई, ठीक है। सिमिलरली इफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉल्स, मतलब हमने, हम अभी भी ब्रेक इवन पॉइंट के तो ऊपर है बट सेफ्टी जोन कम हो गया, पहले जो हम 3,000 के सेफ्टी जोन में थे, लेट अस से वो 1,500 यूनिट का सेफ्टी जोन रह गया, मतलब हम आउटपुट अब 6,500 यूनिट पर आ गए हैं, मतलब आउटपुट गिर गया। सो आउटपुट, आउटपुट डिक्रीजेस, आउटपुट डिक्रीज होने का क्या मतलब है, बिजनेस रिस्क ऑल्सो इंक्रीजेस, मतलब अब थोड़ा सा डर बढ़ गया है, हम ये नहीं कह रहे अब हम लॉसेस में आ गए हैं, बट पहले फिक्स कॉस्ट की कवरेज अच्छी थी, अभी भी कवर तो कर रहे हैं फिक्स कॉस्ट, अभी भी पॉजिटिव है प्रॉफिट कमा रहे हैं, बट वो कवरेज अब कम हो गई है हमको, अगर हम ऑपरेटिंग लीवरेज मेजर करेंगे तो वो हमको इंक्रीज्ड दिखाई देगी। आप इसको कोरिलेट कीजिए, ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ एमओएस रेशियो, इफ एमओएस इंक्रीजेस लीवरेज इज फॉल्स, इफ एमओएस फॉल्स लीवरेज इंक्रीज, ठीक है जी। अच्छा, इफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज मोर देन वन, पहले से नोटिंग कर लीजिए, आपको समझाते हैं फिर ये, दैट मीन्स एक्टिविटी इज अबव
ब्रेक इवन पॉइंट, रिजल्टिंग इन, रिजल्टिंग इन पॉजिटिव ईवीआईटी. एक्टिविटी इज अबव ब्रेक इवन पॉइंट रिजल्टिंग इन पॉजिटिव ईवीआईटी. इफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज लेस देन वन, एक्टिविटी इज बिलो ब्रेक इवन पॉइंट. एक्टिविटी इज बिलो ब्रेक इवन पॉइंट रिजल्टिंग इन नेगेटिव ईवीआईटी. रिजल्टिंग इन नेगेटिव ईवीआईटी. एंड यहां पर लिखिएगा लास्ट वाले में, सेकेंड लास्ट वाले में, एक्टिविटी एट एग्जैक्टली ब्रेक इवन पॉइंट एंड ऑपरेटिंग लीवरेजेस अनडिफाइंड. ऑपरेटिंग लीवरेजेस अनडिफाइंड. ठीक है बच्चे, जो आपने ये सेकंड वाला केस लिखा ना, इफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज लेस देन वन, लेस देन वन का मतलब ये नेगेटिव में जाएगी. एक ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर कैन नेवर बी इन द रेंज 0 to 0.99. ये बात मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी. मतलब अगर वन के नीचे गिरेगी मतलब सीधा 0 के नीचे गिरेगी. ठीक है, वन के नीचे गिरने का ये मतलब नहीं 0.5 कभी आंसर आ जाए या 0.3 कभी आंसर आ जाए, वो पॉसिबल ही नहीं ऑपरेटिंग लीवरेज के लिए. अभी मैं आपको ये तीनों चीजें प्रूव करके दिखाती हूँ. आपने सिर्फ बात को समझना है, कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बात को समझिए. केस वन, कॉन्ट्रीब्यूशन इज एनफ टू कवर फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 10,000. मुझे बताओ ईबीआईटी कितना आया, 5,000. और इधर ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर बताना, 3 times. अच्छा, हम कह रहे हैं हमारा फिक्स कॉस्ट कवर हो रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन इज जस्ट इज सफिशियंट इनफ टू कवर दैट, जिससे कि हमारा प्रॉफिट भी आ रहा है. इफ आई आस्क, क्या हम ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर ऑपरेट करें या नीचे या एग्जैक्टली एट ब्रेक इवन, बताओ. ब्रेक इवन पॉइंट क्या कहता है, एग्जैक्ट ब्रेक इवन पॉइंट क्या कहता है, नो प्रॉफिट नो लॉस. और अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं तो मतलब बिजनेस प्रॉफिट कमा रही है, तो यहां पर तो प्रॉफिट ही कमा रहे हैं, मतलब ऑपरेशंस आर अबव ब्रेक इवन पॉइंट. बात समझ में आ रही है जी? तो ये आपका पहला केस है दैट अगर ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर 1 से ज्यादा है, इसका क्या मतलब है कि बिजनेस पॉजिटिव ईबीआईटी कमा रही है, बिजनेस ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर ऑपरेट कर. अच्छा, लेट अस से कंट्रीब्यूशन इज नॉट सफिशिएंट टू कवर फिक्स्ड कॉस्ट, ईबीआईटी लॉस में आ रहा है. नो, व्हाट इज ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर, 4, 4 नहीं, -4. -4. सो इफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज लेस देन वन, वो नेगेटिव वाली रेंज जो है उसमें क्या है, रिजल्टिंग इन नेगेटिव ईबीआईटी. और क्योंकि लॉस है तो मतलब हम ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे ऑपरेट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एक्टिविटी बिलो ब्रेक इवन पॉइंट. बात समझ में आ रही है जी? एक और केस जरा देखो. इफ कॉन्ट्रीब्यूशन बस इतनी ही बहुत है कि वो फिक्स कॉस्ट को पूरा पूरा कवर कर रही है, ना कम ना ज्यादा, तो रिजल्टिंग है 0 ईवीआईटी. अच्छा मुझे बताओ, नो प्रॉफिट नो लॉस, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट आ चुका है, वी आर ऑपरेटिंग एग्जैक्टली एट ब्रेक इवन पॉइंट एंड एट दिस लेवल, क्या ऑपरेटिंग लीवरेज आप कैलकुलेट कर पा रहे हो? नो, इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग लीवरेजेस अनडिफाइंड इन दिस केस. ये 3 केसेस समझ में आ गए? नाउ आई विल प्रूव कि क्यों ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर अगर 1 के नीचे गिरता है मतलब सीधा 0 के नीचे गिरेगा, वो आंसर 0 to 0.99 क्यों पॉसिबल नहीं है. फॉर ऑपरेटिंग लीवरेज टू बी लेट अस से 0.4, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, राइट? मतलब 0.4 आंसर आने के लिए क्या होना होगा, अगर ईबीआईटी 1,000 है, कॉन्ट्रीब्यूशन को क्या आंसर आना होगा, 400, तभी आंसर 0.4 आएगा. एक बारी क्या ये न्यूमेरिकल फिगर्स पॉसिबल है बेटा? कॉन्ट्रीब्यूशन एक छोटी अमाउंट की है 400, उसमें से अभी फिक्स कॉस्ट भी माइनस होना है, तब भी ईबीआईटी का पॉजिटिव में आंसर आएगा 1,000.
है ना, तो ईबीआईटी हमेशा एक छोटी फिगर रहेगी, नेगेटिव में जा सकती है, बट इस तरीके से कंट्रीब्यूशन से हायर पॉजिटिव सेंस में नहीं मिलेगी। इसलिए कभी भी ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर ये पॉसिबल ही नहीं है, 0.1 0.6 ऐसा कुछ आंसर पॉसिबल ही नहीं है। या तो नेगेटिव में जाएगी या एग्जैक्टली 1 रह सकती है या 1 के ऊपर रहेगी। बात समझ में आ रही है जी? ठीक है, नाउ एक लास्ट चीज, लास्ट जो पॉइंट है आपके पास, उसके बाद आपको फ्री कर देंगे बेटा। प्रॉपर क्वेश्चंस वगैरह कल की क्लास में स्टार्ट होंगे, क्योंकि कल नेक्स्ट क्लास में हम आपके पास नेक्स्ट लीवरेज जो कि फाइनेंशियल लीवरेज है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। एक बार ये कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन खत्म है, फिर चैप्टर में आपको कुछ भी खास दिखाई नहीं देगी। चलो अब जो ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, पहले मैं आपको बताती हूँ क्या कॉन्सेप्ट बात करेगा। एक वर्ड होता है बच्चे, बीटा। आप में से कोई इन्वेस्ट करता है शेयर मार्केट में, कुछ ट्रेडिंग वगैरह में इन्वॉल्व है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी एडवाइस है, थोड़ा बहुत ही सही, घर वालों से पॉकेट मनी लेकर इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। इवन इफ यू स्टार्ट विद 3,000 रुपीज, 5,000 रुपीज, वट इट, शुरू कर दो। आपके अगर आप अपने अर्ली 20s में इन चीजों को शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में आप ही के लिए फायदा है। इन्वेस्टमेंट बहुत बहुत जरूरी। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट जो मैं आपको बता सकूं कि नहीं बेटा कि मैं इतनी एक्सपर्ट हूं, मुझे सब पता है। थिंग इज कि एक जैसे हम बोलते हैं पोर्टफोलियो मेंटेन करो, मेरे पास अगर मैं आज के डेट में बात करूँ, पोर्टफोलियो उसमें म्यूचुअल फंड्स भी है, उसमें गोल्ड बॉन्ड्स भी है, उसमें शेयर्स भी हैं, बट एटलीस्ट इन्वेस्ट करना, अगर मैं सोचती हूँ, अगर मैं अपने अर्ली 20s में इन्वेस्ट करना शुरू कर चुकी होती हूँ, तो आज के डेट में मेरा पोर्टफोलियो कितना अच्छा ना होता, राइट? तो एक एडवाइस है, इन जनरल मार्केट पे नजर होनी चाहिए। न्यूज़पेपर, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत चाहिए इंस्टाग्राम के थ्रू भी थोड़ा सा इन टच लीजिए, व्हाट इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन द मार्केट। ठीक है, चलो अगर हम जस्ट एक हाइपोथेटिकली मैं अगर आपसे बात करूं, दो फर्म्स हैं ए और बी, बिलोंगिंग टू सेम इंडस्ट्री, बट फर्क ये है कि ए ने अपने पास लो फिक्स कॉस्ट लिया हुआ है और बी ने अपने पास हाई फिक्स कॉस्ट लिया हुआ है। किसके पास लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज कम है और किसके पास ज्यादा है? लो ऑपरेटिंग लीवरेज ए के पास रहेगी, हाई ऑपरेटिंग लीवरेज बी के पास रहेगी। चलो ये तो होगा ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑलराइट, अब ऐसा है, जब लॉकडाउन लगा तो सभी फैक्ट्रीज के लिए लगा, पूरी इंडस्ट्री के लिए लगा, सभी के लिए एप्लीकेबल सेम बात थी। आउटपुट गिरना था तो दोनों फॉर्म्स का ही गिरेगा, हम ये नहीं बोलेंगे सिर्फ एक फॉर्म का गिरेगा, सबका आउटपुट गिरेगा। अच्छा, जब आउटपुट गिरेगा तो कहीं ना कहीं ईबीआईटी में भी डिक्लाइन आएगा। मैं आपसे पूछूं किसकी ईबीआईटी में ज्यादा डिक्लाइन है? बी। तो इसमें डिक्लाइन इन ईबीआईटी भी हायर है। अच्छा, अब आप सोचो कि दोनों कॉर्पोरेट लेवल एंटिटीज हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं जो शेयर्स हैं लिस्टेड ऑन दी मार्केट हैं, दोनों के शेयर होल्डर्स में से किसके शेयर होल्डर्स पहले भागेंगे? पहले भागेंगे मतलब अपने शेयर्स जो हैं लिक्विडेट कर देंगे, सेल ऑफ कर देंगे, कि लग रहा है कि बस बिक गई है कंपनी, डूब गया। बी। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर पढ़ा लिखा है, उसको दिखाई दे रहा है इसके पास हायर फिक्स कॉस्ट है। अब जब सभी फैक्ट्रियां बंद पड़ रही हैं, तो इसका ईबीआईटी बहुत ज्यादा गिरेगा। अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है? अल्टीमेटली इवेंचुअली शेयर होल्डर्स का ही होता है। चलो भी भागो जी भागो। तो जब शेयर होल्डर जब ज्यादा भागेंगे बी के, तो कैन बी से बी का शेयर प्राइस विल एक्सपीरियंस मोर वॉलिटिलिटी, वॉलिटिलिटी मतलब फ्लक्चुएशंस एज कंपेयर टू ए। ए के पास भी रिस्क है जी, ए का भी ईबीआईटी गिरेगा, बट इतने फ्लक्चुएटिंग वे में नहीं गिरेगा, इसका शेयर प्राइस इतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा। शायद इसके कुछ शेयर होल्डर्स इसके साथ वफादार रह जाएं कि नहीं जी नहीं, ए ने कम रिस्क लिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं फॉर मार्केट कंडीशंस टू इम्प्रूव, क्या पता यही फिर वापस से उछाल आ जाए। बट बी का शेयर होल्डर इमिडिएटली जो इतना शार्प डिक्लाइन होता हुआ देख के इमिडिएटली भागेगा, तो बी के शेयर प्राइस में ज्यादा फ्लक्चुएशन आएगी। ये बात समझ पा रही हैं आप लोग? अब एक चीज होती है बेटा, बीटा। बीटा इज एन इंडेक्स, वो इंडेक्स बताता है अबाउट फ्लक्चुएशन ऑफ द मार्केट प्राइसेस ऑफ शेयर्स। तो एक कंपनी का अगर शेयर प्राइस ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब उसका बीटा भी हाई होगा, और जिस कंपनी का शेयर प्राइस ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, थोड़ा बहुत स्टेबल रह जाता है, उसका बीटा लो नहीं। तो ये बोला जाता है, अ फर्म विच हैज लो ऑपरेटिंग लीवरेज विल एक्सपीरियंस लो बीटा, अ फर्म विच हैज हाई ऑपरेटिंग लीवरेज विल एक्सपीरियंस हाई बीटा। तो कई बार ये पूछा जाता है, हाउ डज बीटा रिलेट्स टू ऑपरेटिंग लीवरेज? हम बोलते हैं लीवरेज इंप्लाइज रिस्क जी। रिस्क किस चीज का?
फिक्स्ड कॉस्ट रखने का. तो अ फर्म विच हैज लो फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब इट हैज लो ऑपरेटिंग लीवरेज, विल ऑल्सो एक्सपीरियंस लो फ्लक्चुएशंस इन शेयर प्राइस बिकॉज शेयर होल्डर कैन एक्सपेक्ट अ वेरी माइनर डिक्लाइन इन ईबीआईटी विथ चेंजेस इन मार्केट कंडीशन. शेयर होल्डर को लगता है ईबीआईटी ज्यादा इंपैक्ट नहीं हो रहा तो चलो क्या भाग, जहां की शेयर होल्डर को लग रहा है ईबीआईटी बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा चलो भागो, तो वहां का शेयर प्राइस भी बहुत तेजी से नीचे. ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? चलो इसी कमेंट को आप यहां पर लिख देंगे लास्ट में. हाई ऑपरेटिंग लीवरेज मीन्स हाई रिस्क एंड देन हाई बीटा. इसका क्या मतलब है? दैट ईबीआईटी मे गेट कंप्लीटली वाइप्ड ऑफ विद अ वेरी स्मॉल डिक्लाइन इन सेल्स, विद अ वेरी स्मॉल डिक्लाइन इन सेल्स. ठीक है, तो जिस कंपनी के शेयर होल्डर को ये लग रहा है कि अरे यार लेट अस से ऑपरेटिंग लीवरेजेस मान लीजिए 12 टाइम्स, जी 12 टाइम्स बहुत हाई नंबर है, मतलब अगर कल को आउटपुट सिर्फ और सिर्फ 10% से गिरा तो क्या होगा? ईबीआईटी कितने परसेंट से गिरेगा? 120% से. 120% से गिरना मतलब अच्छा खासा पॉजिटिव वाला प्रॉफिट विल कन्वर्ट इंटू लॉसेज. चलो जी भागो यहां से. ठीक है, तो बहुत जल्दी यहां से शेयर होल्डर भागेंगे, इसलिए हाई फ्लक्चुएशंस की वजह से इस फर्म का शेयर प्राइस भी था हाई. बीटा इज एन इंडेक्स ऑफ वॉलेटिलिटी इन शेयर प्राइस, इसको हम आगे के चैप्टर्स में भी करते हैं. यहां तक बात समझ में आ रही है? विद दिस वी आर एंडिंग टुडेस डिस्कशन हियर. ये प्रॉमिस है कि ये चैप्टर जो है आगे जाकर सिर्फ और सिर्फ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड रह जाएगा, कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन ऑपरेटिंग लीवरेज में ज्यादा थी. एक बार आपको ऑपरेटिंग लीवरेज समझ में आ गई, ऑटोमेटिक है फाइनेंशियल भी समझ में आ जाएगी, कंबाइंड भी समझ में आ जाएगी. इसके बाद आगे की क्लासेस में प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस रहेगी. ठीक है जी, आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. कोई डाउट है तो बता दीजिए, अदरवाइज अभी के लिए हम फ्री हो गए हैं एफ से. बच्चे इन 15 मिनट्स वी विल कम बैक फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ठीक है जी.